तुलसी जी, वी हैव ऑलवेज सीन यू इन द देसी लुक एंड एवरीथिंग एंड नाउ यू आर कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड इन दिस सॉन्ग. सो हाउ वाज इट इन गेटिंग द लुक एंड द डांस मूव्स एंड एवरीथिंग? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? इट वाज फैबुलस. आई एम एक्चुअली, मैं घर पे इंडियन कपड़े पहन के नहीं रहती. दैट्स मी इन रियल लाइफ, जो मैं घर पे होती हूँ. ऐसा हुआ है कि इन द पास्ट बैक टू बैक आई हैव डन सॉन्ग्स वेयर आई हैव बीन प्रोजेक्टेड एट दिस as this sweet demure girl in her salwar kameez and stuff. But ye gaane pe I wanted to work differently. To jaise ki Ganesh sir ne bataya, jab concept Ganesh sir you know told us the concept, he came with the shaadi concept, and the first thing I said, no Ganesh sir, I don't think I want to do that again, because I want to do something new. See, when I heard the song, इट वॉज लाइक ए शादी सॉन्ग ओनली, बिकॉज उसमें शहनाई और वो सब जो है इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, जो लड़की है जो बोल नहीं पा रही उसको पहनाते कपड़े वैसे वाले जैसे पहनती है, और जो जो एंजल है उसको एकदम मॉडर्न रखते हैं. भले ही शादी हो रही है बट वो लुक वही होता था जो आपने लुक रखा. ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द सॉन्ग विद दिस फैबुलस टीम. हेलो, हाय, दिस इज आकाश पटनागर. फर्स्टली ग्रेट सॉन्ग एवरीवन. My question is for Rohit, like the first time you heard that there will not be just one but two versions of Tulsi vying for you, what was your reaction? And also, did any real life experience kick in while Tulsi was approaching you in the song? Once I got to know about the song that there are two Tulsis, I was more excited because the song mein aur theme aa gaya hai, and sugar and spice it is, so definitely I thought स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस. एंड पहली बात तो जब मुझे पता चला कि म्यूजिक वीडियो हो रहा है, लास्ट मोमेंट तक वी डिड नो आई वॉज डूइंग इट. सो सडनली व्हेन आई मेट गणेश सर एंड तुलसी, देन आई बिलीव ओके आई एम डूइंग दिस सॉन्ग, बिकॉज इट वॉज वेरी लास्ट मोमेंट फॉर मी. तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत थी, एंड स्पेशली तुलसी की म्यूजिक तो मैंने सुनी है, बट बींग डायरेक्टेड बाई गणेश सर ऑल्सो. मैंने गणेश सर का मैं दीवाना गाना तो मैंने बहुत बार सुना है, मैं दीवाना था उस गाने का. एंड आई थॉट ही सो स्टाइलिश एंड यू नो, तो बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी. सो एनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अप्रोच्ड बाय गर्ल्स किड? नॉट रियली. आई थिंक पास्ट इज पास्ट, सो दैट्स नॉट समथिंग आई हैव हैड इन माय माइंड. इजी था मेरे लिए बिकॉज तुलसी मेड इट इजी, और मैंने तुलसी के वीडियोज पहले सुने हैं. शी इज अ ग्रेट सिंगर बट आई डिडंट नो शी इज अ गुड डांसर. Because the day, मैंने मुझे याद है जब मैं रिहर्सल के लिए गया था फर्स्ट डे, एंड तुलसी वॉज देयर, शी इज ऑलरेडी नोन ऑल द स्टेप्स. तो उन्होंने बहुत मेहनत की है गाने पे, पीपल डोंट नो शी इज वर्क वेरी हार्ड. एंड सर ने भी मेक श्योर किया कि वी ऑल वर्क वेरी हार्ड, वी वेंट फॉर अ लॉट आवर्स फॉर रिहर्सल्स. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है हम्बल होना किसी आर्टिस्ट का, ताकि हमारे जो केमिस्ट्री है वो बहुत इजिली निखर के आ जाए. सो तुलसी हैज डन अ गुड जॉब इन दैट, सो थैंक्स तुलसी. हाय, दिस इज रवि हियर फ्रॉम फिल्म. माय क्वेश्चन इज टू रोहित फ्रॉम योर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. रोहित, द सॉन्ग हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको करियर में भी बूस्ट करे. सो are you expecting any good projects maybe in movies या फिर आपको पहले से ऑफर मिल चुके हैं, कुछ बताना चाहें? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. मैंने एक मूवी ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, जिसके बारे में वी आर नॉट रिवीलिंग एट द मोमेंट. सो द मूवी इज कमिंग दिस ईयर एंड, एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो जो ये गाना हमने किया है, मैं अपने लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बट एट द सेम टाइम बिलीव करता हूँ कि आई गिव माई 100% इन टू इट. बट जिस तरह मैंने कॉमेंट्स देखे हैं अभी यूट्यूब में लोगों के, स्पेशली फॉर द वे सर इज डायरेक्टेड एंड तुलसीज वॉइस एवरीथिंग, तो आई नो दिस विल गेट समवेयर एंड आई होपफुली लेट्स सी थिंग्स वर्क आउट. थैंक यू. आप रिवील क्यों नहीं कर रहे हो फिल्म का नाम? बिकॉज मेरे डायरेक्टर चाहते नहीं प्रोड्यूसर की अभी रिवील करें. जब भी कोई मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड कोई भी खिताब कोई जीत लेती है,
तो उनके तो फिल्मों के नाम अनाउंस हो जाते हैं कि इस फिल्म में काम कर रहा है. यू आर मिस्टर वर्ल्ड बेसिकली बिकॉज द टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव एंड दे वांट टू प्रोबेबली मार्केट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो इसलिए अभी तक दे आर नॉट रिवीलिंग अबाउट इट. ओके ओके. मैं और ऐड करना चाहता था, कर सकता हूँ. डू यू थिंक द इको सिस्टम इज क्वाइट डिस्क्रिमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो मेल और वुमेन जो होता है? अगर वुमेन का कोई खिताब होता है कुछ ज्यादा हो जाता है, यू नो अनाउंस नहीं होता है. आई नो आप जो पूछ रहे हो ये क्वेश्चन मुझे बहुत कई बार लोगों ने कहा कि मेल ब्यूटी पैजेंट्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन वुमेन. ब्यूटी पैजेंट्स आर नोन फॉर वुमेन, सो आई डोंट थिंक सो कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो रहा है. वुमेन आर नोन फॉर ब्यूटी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स. सो दोज पैजेंट्स आर डेफिनेटली गिवन मोर इम्पोर्टेंस. सो आई टोटली फील कि वो सही है जो भी हो रहा है. थैंक यू. मतलब हर तरीके का शुगरी एंड स्पाइसी दोनों फ्लेवर देखने को मिला. और डांस वाला अवतार को और रोहित के साथ जिस तरीके से आपकी जोड़ी है वो बहुत कमाल निकल के आई है. गणेश की तारीफ करना चाहूंगा कि कोरियोग्राफी जिस तरीके से निकल के आई है वो बहुत उम्दा है. और स्टाइलिंग वो तो आपको मालूम है कि आपके गानों में स्टाइलिंग आपका लुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ये कैसे समझ लेते हो जनता की नफ्स की ये गाना ऐसा बनाए कि वो रील्स पे ट्रेंड करे और ट्रेंडिंग यूट्यूब पे आ जाए और हर बार वो मिलियंस में व्यूज आए, वो नफ्स कैसे पकड़ते हो आप? आई थिंक जैसे कि आपने बोला पूरी टीम लगती है गाने के पीछे, कोशिश होती है टू गिव द बेस्ट टू द ऑडियंसेस. ऑफकोर्स एंड गोल ये नहीं है कि वो कहीं ट्रेंड करे. द एंड गोल इज टू मेक समथिंग दैट द ऑडियंसेस रिलेट्स टू और उन्हें अच्छा लगे. एंड इट्स द एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम दैट ब्रिंग्स द होल सॉन्ग टुगेदर. बाकी तो इट्स ऑडियंस के हाथ में. एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, आप स्टाइलिंग की बात कर रहे थे तो सर को क्रेडिट जाता है. आई रिमेम्बर स्टाइलिंग के लिए ऑप्शंस थे इतने सारे और सर ने प्रॉपरली मेक श्योर किया कि स्टाइलिंग टॉप टू बॉटम परफेक्ट हो. सो थैंक्स फॉर दैट सर. एंड एक चीज आई थिंक किसी ने नोटिस नहीं करी, मेरे को वो बहुत अच्छी चीज लगी गणेश सर ने एक वो किया है कोविड का एक मास्क बट इट इज लाइक एक मैंने बहुत पहले गाना देखा था सुनील शेट्टी जी का, तो उसमें सारे जो डांसर्स थे वो हेलमेट पहन के नाच रहे थे. इट लुक्स सो स्टाइलाइज्ड. सो यू नो दिस इज समथिंग रियली इनोवेटिव. आई थिंक एवरी फ्रेम जो सर सेट कर रहे थे आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड विद इट बिकॉज इट वॉज जस्ट लुकिंग सो ब्यूटिफुल. उस वक्त तो कुछ मतलब एक पोस्ट होता है एडिट होता है उसके बाद नहीं. जब आई वॉज ऑन सेट इन इन द होल ब्लैक फ्रेम जहाँ पे मैंने डांस किया आई थिंक एवरी थिंग वॉज सो वेल डन माई सर. रोहित जब ऐसी मल्टी टैलेंटेड आपके साथ में आर्टिस्ट हो तो किस तरीके का आपको उनके साथ जेल करने में या स्क्रीन पे डांस और पूरी केमिस्ट्री के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी काम करने के लिए? बट बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो एकदम मोल्ड होने के लिए रेडी हो, क्योंकि सबके अपने अपने कंडीशंस होते हैं या उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं. बट शी वॉज रेडी टू एवरीथिंग. मतलब उनको वो कपड़े भी थोड़े उनके लिए थोड़े और थे कि यार ये सब मतलब मैंने पहले कभी पहने नहीं. एंड या बट शी वॉज रेडी टू बी मोल्डेड एंड दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेट ऑफ एन एक्टर कि वो रेडी हुए कि मुझे आप कुछ भी करवा लो मैं आई बिलीव इन द विजन एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी मेड दिस सॉन्ग. आपका ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा लग रहा है आपके वीडियोस हमने पहले भी देखे, चाहे वो पापा वाला वीडियो हो चाहे वो ये सॉन्ग हो. द ट्रांजिशन इज सो गुड. किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि भाई अब यू हैव टू यू नो डू समथिंग एल्स और ट्राई समथिंग न्यू? यू नो म्यूजिक और जो पूरा दौर है इट्स चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग एंड यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ टू द न्यू चेंजेस. And I've always wanted to do different genre of songs, but I think industry mein ek norm hai, agar aap ek baar ek romantic gaana kar le ya ek Indian avatar mein dikh jaye music video mein, to aise lagta hai logon ko ki she won't be able to justify that. So that's the reason I wanted to do this, because kuch alag kuch naya karna tha. And I've been bombing myself up reels pe, main kafi kuch alag alag cheeze karti hu aajkal Instagram pe. So I wanted to do something very different for my audiences in a music video or is gaane se I got that opportunity. Manan aapse puchna tha, matlab aapko steps se jinse match karte hain. Actually Manan. To matlab sorry. So bindu mein log mein hai actually.
ये जो मतलब आपके एक नॉर्मल पैटर्न होती है जो म्यूजिक बनाते हैं पहले तो मतलब उनका ट्यून तैयार होता है बाद में वर्ड्स लिखे जाते हैं तो आपका प्रोसेस कैसा रहा मतलब ट्यून पहले बनी कि वर्ड्स पहले बने मेरा एक्चुअली कोई प्रोसेस नहीं होता मैं गो विद द फ्लो वाला इंसान हूँ और जैसे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ इस वाले गाने के अंदर आई थिंक पहले थॉट आया था मेरे दिमाग में पहले हमारे दिमाग में इसका एक कंसेप्ट आया था कि यू नो लाइक आई सेड कि हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे तुलसी जी का कुछ डांसी करने का कुछ डांसी सॉन्ग करने का सो इसका एक थॉट आया था कि कुछ ऐसे आप हड़िप्पा शड़िप्पा ना करते हुए एक स्क्रिप्ट के साथ चले एक कहानी के साथ चले तो इसलिए इसका थॉट पहले आया था देन आई मेड द ट्यून एंड यू नो लिरिक्स फिर उसके बाद म्यूजिक वो सब चीजें चलती रही तुलसी जी मतलब इधर जब भी आते हो तो कमाल का नया हमारी हर्षिता वो बोल रही थी कि इतना अच्छा उसके एक्सप्रेशन देखो कितने अच्छे हैं तो हम आपको जब आज हमने देखा तो आपकी भाभी एक्टर है आपकी बड़ी बहन भी एक्टिंग थी तो आप क्यों आपको हम कब देखेंगे कोई भी सीरीज की फिल्म में पूरी फिल्म में काम करते हुए यू नो मेरे लिए वो 4 मिनट का गाना है पूरी फिल्म है आई लव माय म्यूजिक एंड आजकल आई थिंक यू नो जब आप म्यूजिक वीडियो में फीचर करते हो तो एज एन आर्टिस्ट जस्ट नॉट बी एबल टू सिंग इफ यू आर फीचरिंग इन द म्यूजिक वीडियो कुछ एक्सप्रेशन वो सारी चीजों पे काम करना थोड़ा सा चिपिंग वगैरह भी जाती हूँ मैं थोड़ी अपने वेट को भी कंट्रोल करती हूँ सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी डूइंग माई म्यूजिक वीडियोज एंड आई हैव such people like Ganesh like I'm so honored ki mujhe unhone mujhe direct kiya and he got out things from me jo mujhe bhi nahi pata tha shayad main kar sakti hu so he gave me that confidence and I lived up to it thank you so much aap logo ko acha laga ha Ganesh ji aap kya kehna chahenge unki acting talent ka media to answer a few questions for me all right guys are you all up for it come on Alright, so I'm gonna ask my first question to Alice. Where is Alice? Okay, she's ready. Okay, so जैसे गाने में the other side of Tulsi tries to hook me with Rohit. Have you ever tried to hook your friends with someone? First of all, hello everyone. Love the song. Thank you. So yes, I have tried to hook my best friend with this other best friend of mine on my birthday party. Oh, why? And because they look so good together. I was like, I think they should be together. And their personalities were also pretty matching and all. Today, I am so happy to say that they are happily married. A kid is on the way. And I think I have an alternate career option as well. Playing Cupid. Yes. So you pretty much played the role jo gaane mein the black Tulsi yes. as we were calling her the black Tulsi the angel point. Side of Tulsi yeah, yeah. the spicy side yeah. yeah all right cool thank you my next question is for Shravan Shravan where is Shravan Shravan acha aap piche backstage hi chale gaye aage aao na All good. So my question for Shravan is कि आपकी पर्सनैलिटी कौन से साइड से ज्यादा रिजेंबल करती है शुगरी या स्पाइसी और क्यों आई थिंक इट्स स्पाइस बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट इफ स्पाइस कैन मेक ब्लैंड फूड टेस्ट लाइक अ स्पाइसी पर्सन रादर कैन मेक लाइफ बेटर अरे वाह सो यू आर द स्पाइसी पर्सन स्पाइसी पर्सन सुपर नाइस सो एवरीवन हैज अ ट्रेट ऑफ द ब्लैक तुलसी ज्यादा ट्रेट ब्लैक तुलसी के मुझे दिख रहे हैं ब्लैक तुलसी नहीं यार एंजल तुलसी बोलूंगी स्पाइसी साइड ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आकृति आकृति ओके आकृति इज रेडी इन फुल फॉर्म आई थिंक यू आर स्पाइसी ओनली कुछ भी हो जाए वो दिख रहा है आपको आपके ऊपर अभी मुझे अरे अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो कैसे करोगे
विल यू टेल देम कॉन्फिडेंटली लाइक जाके बोल दोगे बिंदास या फिर चुपके चुपके सिर्फ कुछ हिंट्स थ्रो करोगे? ऑब्वियसली चुपके चुपके हिंट्स थ्रो करना कॉन्फिडेंटली बोलने पे क्या कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूंगी डेफिनेटली चुपके चुपके तो वो उतर गया आपके जो सर पे आप इतना हार्ड टू गेट रियल लाइफ में भी हो जितना ये है कि आउट ऑफ कैरेक्टर जाना पड़ा हार्ड टू गेट डूड आप जो गाने में देख रहे हो बट अगर आप गाने में ये भी देखते हो तो मैं ऑलरेडी तुलसी से पढ़ चुका था इट वॉज जस्ट बन रहा था थोड़ा तो बताना पड़ता है ना ताकि और प्यार निखर के आए बाहर No, I totally agree. But what is that one sugary side or the spicy side of Tulsi that you discovered, say, while shooting the song? Something which, जो वीडियो में हम तो दिख रहे हैं हमें, but are you ready with the answer? Are you ready with the answer? Yeah, definitely. Sugary side is the only side I could see of Tulsi. Though she planned spicy side to her, वो बताना चाह रही थी, but हमारे सर जो थे गणेश सर, हम सर से बहुत डरे हुए थे. He was very perfectionist. कि हर एक टेक होना तो क्योंकि तुलसी ने बहुत प्लान करके रखा था अपना स्पाइसी साइड ही दिखाने का बिकॉज शी इज वेरी गुड विद प्रैंक बट थैंक्स टू सर आई कुड नॉट सी द स्पाइसी एंड द प्रैंक साइड बट शुगरी साइड डेफिनेटली आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल हम्बल को स्टार आई हैव वर्क विद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अपने कॉलेज के दोस्त के साथ ही काम कर देखो कुक को डिसिप्लिन से खाना बनाना पड़ता है खाना अच्छा बनना चाहिए बस क्या एंड उसके लिए द इंग्रेडिएंट्स नीड टू बी राइट एंड वन ऑफ द मैजिकल इंग्रेडिएंट इन दिस इज Manan's music and his vocals. Let's get Manan on the stage. Manan Bhardwaj, can we have you for giving us such a super hit melody? The summer party number, Sugar and Spice. वो थिएटर से चले गए क्या दो बार देखे encore में? Hi, welcome on the stage. Congratulations on the premiere of such a fantastic super hit melody that you've given. Yeah. What was the vision of this song? मेरे सारे गाने ऑब्वियसली जो थॉट था ये कि जो मुझे दीवाना करते सब ये थॉट मैंने लिखा था उसके बाद सर फिट फॉरवर्ड एंड यू नो वो बताते हैं सारा कुछ के कैसे होना चाहिए क्या करना है स्टोरी क्या बनेगी देन वी डिस्कस इट लाइक यू नो कपल ऑफ डेज एंड वी एंडेड अप विद दिस सॉन्ग देन फिर उसके बाद उसी चीज से हमने इसको वो किया सो टेल मी समथिंग यू क्रिएटेड सम रियली स्वीट शुगरी मेलोडियस नंबर्स फॉर तुलसी राइट दैट्स हाउ वी हर्ड द वॉइस ऑल द नंबर्स आर रोमांटिक नंबर्स एंड दिस वन इज रोमांस और प्यार एंड पार्टी फुल ऑन लाइक डांस नंबर भी है वर यू स्केप्टिकल अबाउट गिविंग अ ट्यून लाइक दैट नो आप इसके लिरिक्स गणेश सर वेरी ब्यूटीफुली की शुगरी साइड भी दिखाते हैं स्पाइसी भी दिखाते हैं बिकॉज़ दैट्स व्हाट पीपल लव हर फॉर राइट एंड देयर इज अ टोटल डिफरेंस इन द वे शी इज सिंगिंग द सॉन्ग मेरे लिरिक्स अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो उसमें ना कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है दर्द है आप वो ढूंढिए दर्द को उसमें दर्द है कि यार वो बता ही नहीं पा रही है जो बंदी है वो बता ही नहीं पा रही है हम आउटफिट और डांसिंग में हटा ही नहीं पा रहे हैं अच्छा बन गया है गणेशा ने इतना अच्छा वीडियो बना दिया कि वो मेरा दर्द ही नहीं सामने आ रहा है Let's hear two lines from you, Tulsi, first. जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं, मुझे तब तक तू पिला दे, जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं, मुझे तब तक तू पिला दे. What a fantastic video. Let me congratulate you. The video Thank looks so beautifully done. Thank and like it beats like any international video to that level. You know, the whole setup, the flamingo tubes to everything with the dance steps and what were those dance steps? So first of all, tell me what was the vision when the song came to you and how you thought of taking it forward? See, I have seen a lot of videos of Tulsi Ji and I have always seen her shy and
रिजर्व और वो शादी के स्पेस में देखा, शादी के स्पेस वाले वीडियोस बहुत किए, लंबे लंबे कपड़े और बहुत ही शाय है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये गाना मेरे मुझे शादी दिखा पहले, मेरे को लगा ये शादी होगा, शी वॉज वेरी किक्ड अबाउट डूइंग अ वेरी यंग सॉन्ग। तो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, सो लेट्स डू अ ट्विन वर्जन जिसमें एक हम वही दें जो लोगों को यूज टू है, द सॉफ्ट द शाय द रिजर्व वन, एंड लेट अस गिव one version which is over the top and very flamboyant. Actually she is like that, she likes like the spice, yes. You know, we see her, so, you know, her Insta post and all, she's very like crush, yeah. Like I'm very mujhe lagta hai main sugary hu, but sabko lagta hai I'm spicy, yeah. Director ki nazar se dekho na, I'm spicy with people that I'm very close and comfortable with. So sir, I'm very comfortable with, and we just met through the course of the song, and so I really look up to you. Thank you so much. So मुझे ऐसा लगा कि पहले वो दे देते हैं जो लोगों को यूज टू है, और साथ में वो देते हैं जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। सो देन वी थॉट ऑफ गिविंग हर समथिंग ओवर द टॉप, एंड शी वाज वेरी नर्वस इन द बिगिनिंग, क्या पहना रहे हो मुझे, ये पहना रहे हो, पब्लिक बोलेगी क्या हो गया इसको, चश्मा ये वो, तो क्या बोल रही है, अच्छा हुआ तो हुआ है, यस। No, yeah. I get that Akhil, she was always there as an artist, because you know, people have loved her for the kind of you know feel that she gives to the song. You know, वही लड़कियाँ ऐसे ऐसे सनसक्कर ऐसे सोरियाँ, अभी लड़कियों को हिटबैंगिंग कराएंगे इस ट्रैक में, तो फिर obviously it's gonna be different. But what kind of a director are you, sir? Sugary or spicy? See, rehearsal तक मैं sugary हूँ. But set पे I don't have the option. I don't have the liberty to be sugary. I have to be spice because काम निकालना होता है। सर अभी बाप डाला बहुत आसानी से होता है। आई डोंट हैव द ऑप्शन। नॉट दैट आई वांट टू बी आई एम दैट टाइम। आई डोंट हैव द ऑप्शन बिकॉज़ क्या होता है कि यार यू आर ऑलवेज रनिंग अगेंस्ट द टाइम, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वेगन क्रिएटिव गाय हूं, तो आई वांट मोर शॉट्स। But I think you've done a fab job. They look Thanks. Beautiful, and you've made her dance like a pro, like totally. Actually, she's done a better job because बहुत सारे लोगों ने ये try किया है और नहीं होता है. In fact, अगर आप video ध्यान से देखो तो पीछे एक dancer है, वो भी goof up कर रही है. No, I made sure. I told sir, मैंने कहा मुझे dance मैंने सीखा नहीं है कभी, जैसे music तो सीखा है, but dance का मुझे बहुत शौक है, right from my childhood. So when I told, when we met sir for the first time, I said, sir, मुझे बस आप 5-6-7 दिन rehearsal दे देना, and then I'll do my 200%. So I think we worked on the rehearsals and she was very kicked about doing it. But sir का step now, एक चीज आ रही है उसके साथ दूसरी चीज आ रही है उसके साथ सर, मतलब there are so many things, but I'm sure once everyone who's watching the song gets it, they're gonna be grooving to it like hard. हमको ट्यूटोरियल चाहिए आपके इंस्टा पे, we need a tutorial. ट्यूटोरियल चाहिए ताकि हमें सीखना पड़े इसे ना, इसे मुश्किल होएगी वरना. We'll do that. And let's get now on the stage of Kosa, who's also a fab. God, look at you. मैं आपकी आवाज इतनी बार सुनी, हर ट्विटर पर आया आफ्टर वेबम्स यू नो इंडियम सेज रियो आर्टिस्ट आल्सो नाउ एंड आई लाइक दैट, आई लाइक इट, बट यू नो यू आर सो मच मोर, एंड वी सॉ यू डॉन दिस अवतार ऑफ लाइक डबल रोल मैन, व्हाट इज दैट, मैं लोग से पूछा कितनी तुलसी कहते 5, मैंने कहा आप किस किस को खुद तुलसी दिख रही थी किस किस में, देन द लेडी इन द बैक सेड 3, मैंने कहा यस वी हैव 3 तुलसीज टुडे, थ्री तुलसी, गाने में 2 तुलसीज है, एक उसकी इनर वॉइस है, and of course अभी तो 3 है, अभी तो 3 है definitely, and so let's talk about the sugar and spicy theme of the song. So which were you when you were performing this song, which side did you connect more with? Actually तो आप दोनों ही थी, you were sugar. See, I am more of sugar, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, but spicy element आ जाता है. हमें सर ये पूरी है मेरी, ऐसा मत करो हमारा फ्लो टूट जाएगा. आई एम मोर ऑफ अ शुगर पर्सन है, इसलिए मैं व्हाइट भी पहना है, बट हाँ थोड़ा स्पाइसी एलिमेंट गाने में आ जाता था मेरे ग्लेयर्स पहन के, तो वो पहनते ही एक्चुअली आई शुड जस्ट कीप इट हियर थ्रू द शॉट, एंड इवन माई डायरेक्टर गणेश सर सेड कि ये ग्लेयर्स पहनते ही पर्सनैलिटी चेंज हो गई. नो बट आई थिंक व्हेन शी विंक्स जो आंख मारती है ना, तब पता चलता है कि तुलसी वो नहीं है, तुलसी जो दिखे, ओ लुक एट दैट, मेक वन फॉर राइट देयर इन द कैमरा, वन फॉर, ओए बट यू नो द कोरियोग्राफी हैज बीन सो सुपर, या लेट्स डू इट द राइट वे, सो द मिनट आई वेयर दीस ग्लासेस हियर ऑन माय नोज, तो वो पूरा एंगल आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं रील्स पे सारे ट्रेंड कर सकती हूँ, अभी ये ट्रेंड होएगा कारण मुझे नहीं लगता मैं ये डांस स्टेप कर पाऊंगी,
No, it's it is technical, but I'm sure very technical. I'm sure everyone will pick it up. It's a beautiful choreography by none other than Ganesh Hegde, and I'm very excited and happy because this is my first official dance music video. बहुत सारे romantic songs किए हैं, you know. I've done all that, yeah. But this I've really been wanting to do a dance video. And हाँ, मैं train dancer नहीं हूँ. But I love to dance, so you've done a killer job. So I think it's Ganesh sir's, you know, the way he teaches, and he was present at every rehearsal, and I really look up to him for the way he's directed this song with so much perfection. So let's do another thing. Let's get you to hum the song, and in the meantime, I'll get Ganesh Hegde sir to come in. The man who's made the magic happen on screen, made her dance and drive so beautifully because she could already sing phenomenally well, and now we know another side of her. So Ganesh sir, not be successful. Okay, गाना देखने आए, गाना देखने, तुमको देखने, तुमको डेली देख रहे हैं, गाना देखने आए. कहाँ से देखोगे यार? यहाँ पे आप सेंटर में देखिए, यहाँ पर सर, यहाँ पे देखिए. थैंक यू. मनन सर, मनन सर, मनन सर, आप सोलो करते ना, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे. बस सर यहाँ पे देखिए, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे, यहाँ पे आपके सेंटर में देखिए, मेरे पास देखिए. थैंक यू.